हेलो दोस्तों, मैं हूँ शाहिद और आज मैं इस वक्त सोनमर्ग में। तो आप ये मेरे पीछे देख सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत वादियाँ बर्फ की चादर से ढकी हुई। ये देख सकते हैं आप, चारों तरफ बर्फ ही बर्फ है और कितना खूबसूरत नज़ारा है। तो हम यहाँ पे पहुँचे हैं, तो हम ऊपर जा रहे हैं। तो ऊपर जाने के लिए या तो गाड़ी से जाना पड़ता है या तो आप घोड़े को आपको अरेंज करना पड़ता है, घोड़े से जाते हैं। तो अभी हमारी बार्गिंग चल रही है, तो काफ़ी ज़्यादा बता रहा है, प्राइस इसका बहुत ज़्यादा है। बाकी अभी यहाँ बार्गिंग करनी पड़ती है, अभी हमारी बार्गिंग चल रही है। तो अभी ऊपर जाते हैं और आपको दिखाते हैं वहाँ का नज़ारा और कितना खूबसूरत वहाँ का नज़ारा होने वाला है। तो बजरंगी भाईजान की जो शूटिंग हुई थी वो भी यहीं पर हुई थी, तो अभी हम वहाँ जाएंगे तो आपको दिखाएंगे वहाँ पे वो कौन सी जगह है। और बहुत अच्छा खूबसूरत नज़ारा है, आप देखिए मेरे पीछे। कश्मीर आके मज़ा ही आ गया। अगर आप कश्मीर आए अगर बर्फ़ ना देखें तो बिल्कुल मज़ा आपका ख़राब हो जाएगा। कश्मीर आने का मज़ा बर्फ़ से ही है। ये यहाँ के घोड़े हैं, देखिए इन्हीं घोड़ों पे सवार होकर ऊपर चढ़ा जाता है। बहुत ही जबरदस्त नज़ारा है। और ये हमारा प्यारा सा बेटा है। हेलो करो, हाय करो, हाय करो, हाय करो, इसकी नाक साफ करो। बनी भाभी मेरा बेटा, ये देखिए। अच्छा पानी दे रहे, ये देखो, हाय करो, हाय करो, पहले हाय करो। ये देखिए, हेलो दोस्तों, आज हम आ चुके हैं सोनमर्ग, ये शुरुआत हो चुकी है। तो ये देखिए बर्फबारी हो चुकी है यहाँ पे, और ये रोडों में भी आपको बर्फ देखने को मिल सकता है। ये देखिए, तो हम सोनमर्ग की वादियों में पहुँच चुके हैं और ये नहरें बह रही हैं। देखिए सामने तालाब बह रहा है, दिखाते हैं बाकी आगे का नजारा ऊपर पहाड़ पे पहुंचने के बाद। देखिए दोस्तों कितना खूबसूरत नज़ारा है, और अब आपको ऊपर जाके दिखाते हैं सोनमर्ग में। और ऊपर चढ़ने का बहुत ही काफ़ी ऊपर है और यहाँ पे काफ़ी सारे सेल्फी पॉइंट्स हैं, तो आपको दिखाते हैं वहाँ पर जाके वहाँ का नज़ारा। तब तक आप हमारे साथ बने रहे यूँ। ये देखिए दोस्तों कश्मीर का बहुत ही खूबसूरत नज़ारा, आज पता चला इसको अर्थ ऑफ हेवन क्यों कहते हैं। हॉर्स राइडिंग कर रहे हैं, तो ये घोड़े से ऊपर जाया जाता है सोनमर्ग में। आप घोड़ा मत दीजिए, ये खुद चला घोड़ा। हम घोड़े से जा रहे हैं, देख सकते हैं, और बहुत अच्छा लगता है घोड़े से जाना। थोड़ा डर तो लगता है स्टार्टिंग में, लेकिन मज़ा बहुत आता है। गाड़ी से भी ऊपर जा सकते हैं कार से, लेकिन उससे इतना मज़ा नहीं आएगा जितना आप इससे मज़ा आएगा आपको ऊपर जाने में। और जितने सेल्फी पॉइंट आप घोड़े से ऊपर जाएंगे उसमें कवर कर पाएंगे,
इतने ज्यादा आप गाड़ी से जाने में नहीं कवर कर पाएंगे। आप बहुत ही खूबसूरत नजारा है। हाय करे, हाय दोस्तों। अब हम जा रहे हैं सोनमर्ग में, ऊपर की तरफ हमारी चढ़ाई स्टार्ट हो चुकी है। तो हमने घोड़े हायर कर लिए हैं, तो ये हॉर्स राइडिंग के थ्रू हम जा रहे हैं ऊपर। और गाड़ियों के टैक्सी के थ्रू भी ऊपर जा सकते हैं, लेकिन टैक्सी में आप इतना सेल्फी पॉइंट कवर नहीं कर सकते जितना आप घोड़े के थ्रू, हॉर्स राइडिंग के थ्रू आप वहाँ पे सेल्फी पॉइंट में आप कवर कर सकते हैं। वहाँ पे आपको सेल्फी पॉइंट काफ़ी सारे मिलते हैं जब आप घोड़ों के थ्रू जाते हैं, हॉर्स राइडिंग के थ्रू आप जाते हैं। जब हॉर्स राइडिंग के थ्रू आप सोनमर्ग में ऊपर चढ़ते हैं तो आपको काफ़ी सारे सेल्फी पॉइंट्स मिलते हैं। बाकी आप टैक्सी से जाएंगे तो इतने सारे सेल्फी पॉइंट आपको कवर नहीं, आपको नहीं मिलेंगे वहाँ से। और जो मज़ा और जो एक्सपीरियंस हॉर्स राइडिंग का है वो टैक्सी का नहीं है। और ये मज़ा कभी कभी, ये मज़ा कभी कभी आता है, तो बहुत रेयर होता है ये एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस जो होता है बहुत रेयर ही होता है, तो बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस है और बहुत मज़ा आ रहा है। इससे पहले फर्स्ट टाइम हमने हॉर्स राइडिंग किया था शिमला में, तो उस टाइम तो बहुत डर लग रहा था। और अब ये मेरा सेकेंड टाइम है तो इसकी वजह से डर थोड़ा कम लग रहा है। तो अब एक्सपीरियंस हो गया है हॉर्स राइडिंग का, तो इसलिए बेझिझक बैठे हैं हम। और यहाँ पे फैमिली के साथ आए हैं। ये हमारा लड्डू है, हाय करो लड्डू। हाय लड्डू। ये देखिए लड्डू कितने मजे से बैठा हुआ है। किसी कर दो, सबको किसी कर दो, किसी कर दो लड्डू। फ्लाइंग किस कर दो, फ्लाइंग किस कर दो। ये देखिए लड्डू का प्यार आपके लिए। और मैं अब आपको फ्रंट सामने का व्यू दिखाता हूँ। वाकई में ये अर्थ ऑफ हेवन है। और ये हमारे कैमरे वाले भैया है, तो ये हमें पोज के साथ DSLR कैमरे से फोटो भी खींच के देते हैं, तो ये इनका अलग चार्ज होता है। ये देखिए नीचे करना मोबाइल। और ये भाई जो थे बजरंगी भाईजान में भी इनका रोल था। और भैया ये बजरंगी भाईजान वाला व्यू कब आएगा पॉइंट? वो आएगा आगे, वो लास्ट पॉइंट छोड़ के तीसरा पॉइंट। अच्छा तीसरा पॉइंट। अब ये पहला पॉइंट कौन सा होगा? सुसाइड पॉइंट। अरे हम सुसाइड नहीं करना हमें। नाम है। अच्छा फिर ठीक है। एलानी जंग वहाँ किसके साथ जंग हुई थी? हैं धर्मेंद्र के साथ। धर्मेंद्र के साथ। अच्छा वो फिल्म की शूटिंग हुई थी एलानी जंग। अच्छा और उसके बाद? उसके बाद आई बजरंगी भाईजान ग्लेशियर। अच्छा बजरंगी भाईजान, ठीक है ग्लेशियर, ठीक है ठीक है भाई। ठीक है दोस्तों, देख सकते हैं आप जो जो पॉइंट्स आएंगे इन्होंने, भाई साहब ने बता दिए हैं। तो अब हम वहाँ पे पहुँचते हैं, फिर आपसे आपको दिखाते हैं वहाँ का भी। तब तक आप यूँ ही आप बने रहे हमारे साथ, हम लेबर हैं, आपको दिखाते हैं जल्दी पहुँच कर वहाँ का भी। हेलो, खूबसूरत नजारा है ये। हम काफी ऊपर आ चुके हैं सोनमर्ग में, ये देख सकते हैं चारों तरफ बर्फ ही बर्फ है। ए सुंदरी रुक जा, सुंदरी ए सुंदरी, अरे सुंदरी देखो भाग रही है। अरे सुंदरी सर फोड़ देती मेरा। अरे भैया भैया, अरे भाई साहब सुंदरी का लगाम मेरे हाथ में दो, कभी भी भाग जाती है। सुंदरी रुक, रुक जा रुक जा। ये देखिए दोस्तों जिस घोड़े में हम बैठे हैं इसका नाम सुंदरी है, और ये बहुत मनमानी करती है, बिना इसके मालिक के भाग जाती है। अरे सुंदरी रुक के, ये देखिए सुंदरी वैसे है बहुत समझदार। यही वो जगह है जहाँ पर रहलाने मूवी की शूटिंग। और ये नज़ारा आपको कार से आने में नहीं दिखता, ये नज़ारा आपको दिखता सिर्फ और सिर्फ घोड़े से ही आने में, घोड़े की राइड करने पे। गाड़ियाँ यहाँ पर आती थी 2016 से, यहाँ पे बैन कर दिए पॉल्यूशन की वजह से, तो इसलिए यहाँ पर सिर्फ घोड़े ही अलाउ है और पैदल कोई आ सकता नहीं है यहाँ पे, इतना ऊँचा है। देखिए
देखिए ये छुपता हुआ सूरज नजर आ रहा है आपको, जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं सूरज छुप रहा है पहाड़ों के पीछे। हम देखिए कितना ऊंचा ग्लेशियर है, बहुत ही खूबसूरत नजारा है। तो अभी मैंने इतनी खूबसूरत जगह अभी तक अपनी लाइफ में कोई नहीं देखी। और ये सामने जो है सत्ते पे सत्ता जो मूवी बनी थी अमिताभ बच्चन की, उसकी शूटिंग यहाँ पर हुई थी। कहाँ पर हुई थी इसकी शूटिंग? ये नीचे जो आप देख सकते मैदान में, ये जो मैदान है यहाँ पर उस मूवी की शूटिंग हुई थी पूरी, सत्ते पे सत्ता मूवी जो है ये देख सकते। तो यहाँ पे बहुत सारे पॉइंट है जहाँ पे मूवीज की शूटिंग हुई थी। देखिए कितना खूबसूरत नजारा है, पूरा फ्लैट मैदान है बर्फ से ढकी हुई। तो यहाँ पर सत्ते पे सत्ता मूवी की शूटिंग हुई थी। दोस्तों अब अगला पॉइंट हमारा जो है वो बजरंगी भाईजान मूवी की जो शूटिंग हुई थी वहाँ पर है। तो अगला पॉइंट जो हमारा है बजरंगी भाईजान मूवी की जो शूटिंग हुई थी वो है। तो अब हम वहाँ पर पहुँचने वाले हैं थोड़ी। हाँ दोस्तों, तो फाइनली मैं पहुँच चुका हूँ अब उस पॉइंट पे जहाँ पर बजरंगी भाईजान फिल्म की शूटिंग हुई थी। ये वो जगह है जहाँ पर बजरंगी भाईजान मूवी की शूटिंग हुई थी। जब आप क्लाइमैक्स देखते हैं तो हिंदुस्तान और पाकिस्तान के लोग जो यहाँ पर आते हैं आखिरी मूवमेंट पे, जहाँ पे वो मुन्नी को लेने के लिए आते हैं, तो ये वो वाला पॉइंट है, ये देख सकते हैं। तो मैं आपको ये करीब से दिखाता हूँ कितना खूबसूरत व्यू है यहाँ का, कितना खूबसूरत नज़ारा है, आप देख सकते हैं मेरे पीछे। देख सकते हैं आप कितना बेहतरीन और खूबसूरत नज़ारा है। आपको दिखाता हूँ ये बहुत करीब से, ये वो पॉइंट है, ये देखिए दोस्तों ये है वो पॉइंट यहाँ पर दोनों साइड से क्लाइमैक्स सीन में बजरंगी भाईजान ये वो सीन की जो शूटिंग हुई थी वो इसी जगह पर हुई। तो यही वो पॉइंट है, ये देख सकते हैं कितना खूबसूरत नज़ारा है। ठंड बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, ठंडी हवा चल रही है सुन कर देने वाली, लेकिन जितना खूबसूरत व्यू यहाँ का है उसके सामने आदमी को ठंड भी फील नहीं होती, ठंड का भी उतना ज़्यादा उसको एहसास नहीं होता, क्योंकि नज़ारा ही इतना खूबसूरत है। ऐसे नज़ारे को देखने के लिए कहीं ना कहीं तो आपको सेक्रीफाइस करना ही पड़ता है। और ये खूबसूरत व्यू आपको सिर्फ और सिर्फ सर्दी में ही मिलेगा, क्योंकि यहाँ की खूबसूरती जो ज़्यादा है वो बर्फ़ से है। तो ये देख सकते हैं आप मेरे चारों तरफ सामने पहाड़ है, यहाँ पे धूप छुप चुकी है, सामने आपको दिख रहा होगा। हाँ दोस्तों, अब हम फाइनली जा रहे हैं वापस, यहाँ पे ठंड बहुत ज़्यादा है, टेम्परेचर माइनस है, बाकी खूबसूरत व्यू बहुत ही ज़्यादा है, बहुत ही ज़बरदस्त, ये देख सकते हैं आप। अरे भाग नहीं भाग नहीं, कौन सी फिल्म की शूटिंग हुई थी? सत्ते पे सत्ता। ये फिर से हम वही जगह आ चुके हैं, हम यहाँ से गुजर रहे हैं वापसी जा रहे हैं। तो ये देखिए, तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको हमारा आज का ये जो सोनमर्ग का व्यू है काफी अच्छा लगा होगा, और तो उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। सोनमर्ग कैसा है? बहुत ही प्यारा, बहुत ठंडी कैसी है यहाँ की? बहुत ही ज्यादा ठंड है। आपका हमारे साथ यूं ही बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। और मिलते हैं आपसे जल्दी अगले ब्लॉग में।